अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पहले हमने आपको प्लेन केक बनाना बताया था, आज हम जो है वो चॉकलेट केक बनाना आपको बताएंगे। बिल्कुल वही रेसिपी है, बस इसमें ये है कि कोका पाउडर ऐड करेंगे हम। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। 4 eggs हैं हमारे पास, 1 cup जो है वो मैदा है हमारे पास, तकरीबन जो है वो 1/4 cup हमारे पास ऑयल का है, 1 cup ही शुगर है हमारे पास ब्लेंड की हुई, 1 pinch हमारे पास सॉल्ट है, और ये वनीला एसेंस है, 1/4 teaspoon हम वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप 1/2 cup भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 tablespoon भी आप कोका पाउडर ऐड कर सकते हैं मैदे में, ठीक है। और ये हमारे पास कॉर्न बेकिंग पाउडर है, ये 1 teaspoon आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। चले ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आए अब हम स्टार्ट करते हैं कि केक बनाना कैसे है। हमने ये ना सबसे पहले एक बोल ले लिया है, इस बोल में हम ये एग्स हैं ये हम अपने ऐड करेंगे। ये एग्स ऐड कर दिए हैं और अब हम इसमें शुगर ऐड करके बीट करेंगे। ये हम शुगर ऐड कर दी है, ये हमारे पास बिटर है, अब हम इसके साथ इस शुगर को बीट करेंगे ताकि एग और शुगर अच्छे से हमारे पास बीट हो जाए। शुगर और एग हमने ये देखे अच्छे से बीट कर लिए हुए हैं, ये शुगर हमारी बीट हो गई है अच्छे से। इसमें अब हम इसमें ये हमारे पास मैदा है, ये हम ऐड करेंगे, 1 cup मैदा है हमारे पास। मैदा ऐड कर दिया, मैदे को भी हम बीट कर लेंगे। देखिए अब मैदा बीट कर लिया है हमने, अब इसमें हम अपना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 हमारे पास कुकिंग ऑयल है। साथ ही जो हमारे पास है ये 1 pinch सॉल्ट है, ये सॉल्ट ऐड करेंगे हम, सॉल्ट ऐड करने के बाद हम फिर इसको बीट करेंगे करीबन। ये अब हम इसमें 2 जो है वो टेबल स्पून ये कोका पाउडर है ये हम ऐड करेंगे इसमें अपने केक को फ्लेवर देने के लिए। ये ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 मिनट बीट करेंगे ताकि ये हमारे बेकिंग पाउडर में अच्छी तरह से बीट जाए। ये देखें ये 1 teaspoon जो है हमारे पास बेकिंग पाउडर है ये भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। और ये 1/4 हमारे पास जो वनीला एसेंस है हम ये ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। जी ये हमने ऐड कर दिया उसमें, अब हम इसको बीट करेंगे अच्छे से वनीला बेकिंग पाउडर को। मटेरियल जो है ये डन है, ये अब हमने एक मोल्ड ले लिया है जिसमें इसमें हम केक बनाएंगे। इस
मोल्ड में हमने ये इसके सेंटर के फंदे जितना ये बटर पेपर कट कर लिया है, इस बटर पेपर को हम यूँ इसमें बिछा देंगे अच्छे से। ये सी ग्रीसिंग करने के लिए ऑयल थोड़ा सा हमने डाला है इसके ऊपर, ताकि जो जब हमारा केक बेक हो तो वो इसके नीचे ना चिपके, अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट ग्रीस हो गया हुआ है। जी ये देखिए अब इस मोल्ड में हम अपना ये मटेरियल ऐड करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सारे कोनों में चला जाए। ठीक है ये देखें जी, ये देखें ये ऑलमोस्ट डन है हमारा मटेरियल। ये हमारे पास कुकर है, लास्ट केक भी हमने कुकर में अपना बनाया था और ये वाला भी हम कुकर में बनाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये कुकर में हमने रख दिया है। हमारा जो है वो बंद हो गया। जी ये हमने इसे चूल्हे पर रख दिया है बिल्कुल जो है वो। जी ये देखें अब हमने 45 मिनट के बाद अपने कुकर को खोला है। ये हमारा केक देखें बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है ये। ये देखें बिल्कुल गरम गरम है और बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसको निकालेंगे। ये देखें ये केक हमने अपने मोल्ड में से निकाल लिया है, बेहतरीन है ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट है और मज़े का भी है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसकी टॉपिंग ऊपर चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अभी ये गर्म है, हम रखने लगे इसे फ्रिज में थोड़ी देर ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। अभी मैं आपको कट करके अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। जी ये देखें ये मैं आपको एक पीस इसका कट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है। ये देखें आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़े का बनेगा और आपको पसंद भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह आप ही खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।